अपने गुरु को, मगर उन्होंने नहीं किया। उनको लॉजिक तो समझ में नहीं आया कि इनका लॉजिक क्या है, ये क्यों चाहते कि पत्तियां ऐसे हाथ में लेना है, इसका लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक था कि भाई मैं तेरा वो ग्राउंड तैयार करना चाहता हूँ कि ताकि आगे जाकर तू तो एक अच्छा योद्धा बन सके, एक वॉरियर बन सके। तो हाथ में किताब लेना एक बाद की बात है, पहले अपने माइंड में वो विजय का ग्राउंड तैयार करिए ताकि विजय आपको खुद विजय श्री आपको लेने के लिए आए, आप विजय श्री के पास ना जाएं। एक योद्धा बनने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए अपने मेंटल वाइब्स को चेंज करना पड़ेगा, यही श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण के पास बहुत कुछ था लेकिन उन्होंने अपने कंफर्टेबल जोन को त्याग किया। श्री कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं, वो उनसे बड़ा मोटिवेटर दुनिया में ना तो आज तक हुआ है ना आज के बाद कभी होगा। उनसे बड़ा मोटिवेटर कोई हुआ ही नहीं है। उनको यदि जिंदगी में अपन असिमिलेट करें, उनके ज्ञान को अपन असिमिलेट करें, तो विजय श्री हमारे पास 100% आएगी।